अब बोर्ड में चाहे 99 है, नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग फिर रहे हैं, 99% ले लेके, 90% ले लेके लोग फिर रहे हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पे, अब बहुत लोगों के हैं, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब हम स्कूल के साथ साथ जेई की भी प्रिपरेशन करें। और वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत गहरी लाइन है, बहुत गहरा वाक्य है, बहुत गहरा वाक्य है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अभी तुम्हारे पास वक्त है जिंदगी बदलने का, अपनी जिंदगी बदलने का वक्त है तुम्हारे पास अभी भी। अगर तुम अभी, तुमसे कहीं ना कहीं मिस हो गई वो अपॉर्चुनिटी, तुमसे कहीं ना कहीं चूक हो गई उस अवसर को बदलने, उस अवसर को का पूरा पूरा लाभ उठाने की, जहां तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो ध्यान रखिए वक्त मिल रहा है आपको अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन फिर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। यानी ये जो टाइम चला गया वापस नहीं आने वाला। अपने बेवकूफियों के कारण, या अपनी कुछ आलस्य के कारण, या अपनी कुछ कमियों के कारण, या फिर अपने कुछ दोस्तों के कारण, या फिर अपनी कुछ इंटरनेट की कमियों के कारण, या फिर अपने सो कॉल्ड दोस्तों के कारण आपने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तनियों के कारण आपने अपना सब समय बर्बाद कर दिया। वो समय दोबारा नहीं आ सकता। अब जिंदगी ने आपको दूसरा अवसर दिया है, आपके पास वक्त है अपनी जिंदगी बदलने का, इसलिए इस बार मत चूक जाना। अगर इस बार रह गया तो फिर शायद जिंदगी दोबारा ना मिले वक्त बदलने के लिए। ध्यान रखिएगा ये बात, ध्यान रखिएगा यह बात, ठीक है ना। हाँ सर, तो ध्यान रखिएगा ये बात। कई बच्चे कह रहे हैं सर स्कूल के कारण, बिल्कुल एक स्कूल, अगर आप अभी भी, मैं देखता हूँ जो अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो भी मतलब यही बोलते हैं हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। अच्छी बात है, स्कूल जाना अच्छी बात है, इट इज़ नॉट बैड, यू शुड गो टू स्कूल। लेकिन अब वह समय चला गया जब आपके 95% आए तो पूरे गांव में हल्ला मच गया और आपकी कलेक्टर की जॉब लग गई, घर से ही बैठे बैठे सरकारी नौकरी लग गई। भाई अब वो समय चला गया। अब बोर्ड में चाहे 99 है, नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग फिर रहे हैं, 99% ले लेके, 90% ले लेके लोग फिर रहे हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पे, अब बहुत लोगों के हैं, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब हम स्कूल के साथ साथ जेई की भी प्रिपरेशन करें और एक तीर से दो निशाने लगाएं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज याद रखिए। तो कोई, कई लोग ये अभी समझ जाते हैं, कई लोग बाद में समझते हैं। तो कई ट्वेल्थ में जो बच्चे होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, जिनको समझ नहीं आता उन्हें वक्त समझाता है। खैर हम बात कर रहे हैं इधर, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। इसलिए बस यही कहूंगा, अभी मौका है, अभी पूरी जान लगा दो, अपना सर्वस्व लगा दो, अपने आप को पूरा 100% इसी में झोंक दो। साधु बन जाओ, साधु बन जाओ, बिल्कुल एक जुनून पाल लो, दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे आपको, अपना लक्ष्य, अपनी पढ़ाई, अपना सिलेक्शन, उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देना चाहिए। अर्जुन की तरह बन जाओ कि उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है, बस वो हर पल हर काम जो करता है वो इसी भाव से करता है कि उसको अपनी मंजिल पानी है। तो आप बिल्कुल उसी तरह की साधना करें, उसी तरीके से अपने आप को ढाल लें। अभी कुछ महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए बिल्कुल संन्यास ले ले दुनिया से, सब छोड़ दें, यार दोस्त इंटरनेट व्हाट्सएप सब छोड़ दें, अभी सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई होनी चाहिए।